नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 फरवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस जिले में शबरी माता की जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ में भाग लिया है। तो दोस्तों, दो ऑप्शन, दो क्वेश्चंस जो है हमारे यहाँ पर तैयार होते हैं। पहली बात, यह क्वेश्चन तैयार होता है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है भारत के, तो उनका नाम है अमित शाह। साथ ही कोल जनजाति महाकुंभ का जो आयोजन है कहाँ किया गया, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में किया गया। और किसकी जयंती के अवसर पर किया गया, तो शबरी माता की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन थर्ड सतना यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए इनसे जुड़ी जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सतना में शबरी माता की जयंती के अवसर पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया। साथ ही अमित शाह ने सतना में मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन एवं पूजन भी किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी आपके उपस्थित रहे थे। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस विभाग को MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के MSME विभाग को MSEFC अवार्ड, MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 इसको प्रदान किया गया है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश के MSME के विलंबित भुगतानों के निराकरण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल को स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्रोसीजर एवं प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश के MSME विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी नरहरि को यह प्रतिष्ठापूर्ण अवार्ड प्रदान किया है। तो इंपोर्टेंट बनता है मध्य प्रदेश के किस विभाग को केंद्र सरकार के द्वारा MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को दोस्तों यह अवार्ड आपका मिला है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीएम हेल्पलाइन की समस्या के समाधान में अव्वल स्थान पर कौन सा जिला है। तो जो दोस्तों चार ऑप्शन है, जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन या रतलाम। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है जबलपुर जिला सीएम हेल्पलाइन की समस्या के समाधान में अव्वल स्थान पर पहले स्थान पर है। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज की गई शिकायतों का समाधान कर जबलपुर जिला एक बार फिर पहले स्थान पर आ गया है। जबलपुर ए ग्रेड में सबसे ऊपर रहा है। जिले को जनवरी में 12,636 शिकायतें मिली, इनमें से 83.03% शिकायतों का समाधान किया गया, जिसमें लगभग 47.7% शिकायतों को आवेदक की संतुष्टि के बाद बंद कर दिया गया। और इधर दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो दोस्तों आपका सीहोर जिला रहा है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ कब किया गया था, तो 31 जुलाई 2014 से लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ आपका किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश का पहला कमल आकार का जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनकर तैयार हुआ है। चार ऑप्शन है, दमोह, नर्मदापुरम, उज्जैन या रतलाम। तो दोस्तों ऑप्शन है दमोह, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देश का पहला कमल आकार का जैन मंदिर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बनकर तैयार हुआ। दमोह जिले में पथरिया के पास दमोह मार्ग पर स्थित वीरागोदय तीर्थ में अनोखा मंदिर बनकर तैयार हुआ है।
मध्य प्रदेश में ही नहीं, यह देश का यह पहला ऐसा जैन मंदिर है जो कमल आकार का है। मंदिर में स्थापित तीनों प्रतिमाओं की खासियत है कि यह एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। यह मंदिर ऊपर से कमल के फूल जैसा नजर आता है। यहाँ पर बता दें कि यह मंदिर पथरिया में जन्मे गणाचार्य श्री 108 विराट सागर महा मुनिराज के सानिध्य में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ इन दिनों पंच कल्याण महोत्सव के तहत आयोजन भी आपका चल रहा है। तो क्या इंपोर्टेंट बनता है कि कमल आकार का देश का पहला जो जैन मंदिर है वो आपका कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दोस्तों आपका बनकर तैयार हुआ है। तो ऑप्शन है दमोह जिला, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए पिछले वीडियो का यानी कि कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिविजन कर लेते हैं। कल के वीडियो का पहला क्वेश्चन था कि 22 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस शहर में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक के आयोजन के अवसर पर मध्य प्रदेश के जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय सांस्कृतिक गांव आदि व्रत का लोकार्पण किया? तो दोस्तों राइट आंसर यह जो है आपका बनता है खजुराहो में इसका लोकार्पण आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि ASHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे फायर एजुकेशन के माध्यम से प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के डाटा प्रविष्टि के कार्य में मध्य प्रदेश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश यहाँ पर 22वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पर 22वें स्थान से 17वें स्थान पर दोस्तों आपका आ चुका था। अगला क्वेश्चन है 39वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो जो दोस्तों यह 49वां जो अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह है इसका उद्घाटन जो है विष्णुदत्त शर्मा VD शर्मा के द्वारा आपका किया जाता है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है, साथ ही खजुराहो से सांसद भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं वह है कि मुख्यमंत्री ने कुनो नेशनल पार्क में कितने और चीतों को छोड़ा है? तो दोस्तों इनके द्वारा 12 चीतों को यहां पर छोड़ा गया है और पहले से यहां पर जो है आपके 8 चीते थे। तो कुल मिलाकर इस नेशनल पार्क में इस राष्ट्रीय उद्यान में कुल 20 चीते जो है आपके हो चुके हैं और मध्य प्रदेश का एकमात्र साथ ही देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर आपके चीते पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा किस राज्य को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश को आपका यह अवार्ड प्रदान किया गया केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप ने काहिरा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का क्रम जारी रखते हुए कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर आपका रजत पदक जीता गया था। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आपके बिलोंग करते हैं। तो यह भी अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के भी जो है आपके पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इसके साथ ही 2014 से 2019 तक गुजरात के राज्यपाल भी आपके रहे थे और इनका जो कार्यकाल हमारे मध्य प्रदेश में था वह इंपोर्टेंट बनता है 8 सितंबर 2016 से लगाकर 23 जनवरी 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन था कि महाकाल नगरी उज्जैन में कितने लाख से ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दोस्तों ये 18 लाख से अधिक दिए जलाने का जो रिकॉर्ड है महाकाल नगरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर बनाया गया, जिसमें 18,82,000 दिए जो है आपके जलाए गए थे। चलिए अब प्रीवियस मंथ के कुछ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के तैराक अद्वैत पांगे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो 28 जुलाई से बर्मिंगम में जो कॉमनवेल्थ गेम में हुए थे उनमें जो है अद्वैत पांगे ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा साक्षरता अभियान पंजीयन में पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला हाल ही में ऊर्जा साक्षरता अभियान पंजीयन में देश भर में पहले स्थान पर रहा है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों
इम्पोर्टेंट बन जाता है। 25 नवंबर 2021 को शाजापुर जिले से ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत आपकी की गई थी, तो यह भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करने वाला देश का पहला जिला बना है, तो दोस्तों वह बना है मध्य प्रदेश का कटनी जिला। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं, तो कटनी के तेवड़ी भेड़ा लिगरी और बिछिया गांव के करीब 133 एकड़ क्षेत्र में लगी मक्के की फसल में कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में तरल नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। मक्के की फसल में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने वाला कटनी देश का पहला जिला है। यह प्रयास पूरे देश में एक अभिनव पहल है जो आगे चलकर किसानों को खेती में उन्नत तकनीक का उपयोग कर इस क्षेत्र में कम लागत और बेहतर उत्पादन करने में सहायक साबित होगी। तो ऑप्शन डी कटनी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनजाति नृत्य महोत्सव 2020 में गुदुम बाजा नृत्य को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से आपका बिलोंग करता है। विशाखापट्टनम में 10 से 12 जून 2022 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ट्राइबल कल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग मिशन के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें 14 राज्यों के जनजातीय नृत्य दलों ने भाग लिया और मध्य प्रदेश के गुदुम बाजा नृत्य को पहला स्थान मिला है जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से बिलोंग करता है। अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा सिंधी पुस्तक सिंध डाक जो सिलो का विमोचन किया गया? तो दोस्तों नरोत्तम मिश्रा जी ने इसका जो है आपका शुभारंभ किया है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, तो यह भी आप याद रखिएगा। चलिए अब पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? चार ऑप्शन थे महू, शाजापुर, देवास या सिवनी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के देवास में बनाया जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर बनता है। एश इनके द्वारा राइट आंसर यहां पर दिया गया, साथ ही यहां पर मिलेश इन्होंने यहां पर राइट आंसर दिया है। धनीराम लोधी इन्होंने बोला है कि रेगुलर वीडियो डालिए, तो देखिए जो है कल भी आपको वीडियो में बताया था कि फैमिली में शादी होने की वजह से रेगुलर वीडियो अपलोड यहां पर नहीं कर पाया था, अब जो है वीडियो आपको यहां पर रेगुलर अपलोडेड मिलेंगे। साथ ही यहां पर जतिन ध्रुवे इन्होंने राइट आंसर दिया है, तो यह कुछ लोग थे जिन्होंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा उसका राइट आंसर दिया है, तो उनके नाम की चर्चा यहां पर हमने कर ली है। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन है 24 जुलाई 1975, 10 अगस्त 1955, 20 जुलाई 1979 या 5 जुलाई 1981। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।